हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन चार नंबर चैप्टर लेके आए हैं। चार नंबर चैप्टर के अपन बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2024 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो क्लास को छोड़िए मत, क्लास को पूरा देखिए एंड तक। काफ़ी क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से क्लास को देखें। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स की स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मूल वास्तविक नहीं है यदि। अब इसमें हमारे पास तीन कंडीशन होती है, मूल वास्तविक और काल्पनिक की। दो तो वास्तविक की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? अगर हमारे पास डी का मान, ये कैपिटल डी होता है, डी का मान इक्वल जीरो आ जाए और डी का मान कैपिटल डी का मान इज ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं। बट काल्पनिक की कंडीशन आती है जब डी का मान लेस देन जीरो आ जाता है। और डी बराबर होता क्या है? सर जी, ये डी क्या बता रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट विविक्त कर बता रहा हूँ मैं। इस पर भी क्वेश्चन बना था पिछले साल और इससे पिछले साल भी आया था, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी, कैपिटल डी जिसका विविधकर्क बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी का मान होता है, इसमें ग्रेटर देन है, ये वास्तविक है, ये पूछ रहा वास्तविक नहीं है, ये बराबर है, ये भी वास्तविक है, ये बराबर और ग्रेटर देन दोनों है, दोनों कंडीशन एक साथ आ गई, ये भी वास्तविक है बट ये लेस देन है, ये काल्पनिक है, इस कंडीशन में काल्पनिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे क्या? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच एक्स की स्क्वेयर माइनस में 49/5 बराबर जीरो के हल हैं, के हल हैं। अब देखो कैसे होगा ये, मैं इस 49/5 को इधर लेके जाता हूं तो क्या बनता है? देखो, ये बनता है आपके पास में 5x की स्क्वेयर बराबर 49/5, पाँच ये माइनस क्या था, तो पूरा मान 49/5 ये इधर चला गया, प्लस का हो गया। अब ये 5 गुणा में है, ये इधर भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x की स्क्वेयर बराबर 49/5 गुणा में 5, तो ये कितना होगा, 49/5 × 25, तो ये आपके पास में बन जाएगा x की स्क्वेयर, यहाँ से हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, इस पर रूट लगेगा, 49/25 हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा प्लस माइनस 7/5, प्लस माइनस 7/5 आ जाएगा, प्लस माइनस 7/5, यानी 7 का वर्ग होता है 49 और 5 का वर्ग होता है 25, यानी 49/25 का वर्गमूल होता है 7/5, जबकि प्लस माइनस भी आएगा, तो 7/5 कौन से ऑप्शन में है? ये तो 5/7 हो गया, इस पे रूट नीचे रह गया, ये भी नहीं है, बस ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, माइनस का 7/5 और प्लस का 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि समीकरण x की स्क्वेयर प्लस में 3ax प्लस में k बराबर 0 का एक हल, x बराबर a है तो k का मान ज्ञात करो। अब x की जगह a रख दो माइनस a, तो देखते हैं k का मान कितना आता है। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस a का स्क्वेयर प्लस 3a इंटू माइनस a प्लस k बराबर 0, तो ये बन जाएगा माइनस a का स्क्वेयर, तो ये बनेगा a का स्क्वेयर माइनस 3a का स्क्वेयर प्लस k बराबर 0, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 2a का स्क्वेयर इज नहीं सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए था, यहाँ पे आएगा प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस का है, तो ये प्लस का 2a स्क्वेयर, k का मान कितना आ जाएगा, 2a स्क्वेयर, बस इतना ही आंसर आ गया, फिर आगे चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो 2a स्क्वेयर ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। ध्यान से देखो, मैंने पहले क्या किया है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस ए रख दिया, माइनस एक गलती शायद कर दी क्या, कोई नहीं की, कोई बात नहीं, एकदम सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास चार नंबर क्वेश्चंस, किसी संख्या का वर्ग उसके 3 गुने से 70 अधिक है, इस कथन को प्रकट करने वाला समीकरण है। किसी संख्या का वर्ग, मान लेते हैं किसी संख्या का वर्ग ये है एक्स की स्क्वेयर है, कोई संख्या एक्स है और उसका वर्ग एक्स की स्क्वेयर है, उसके तीन गुने से 3x हो गया, 3 गुने से 70 अधिक है, 70 अधिक का मतलब एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3x इज इक्वल टू 70 है, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। इसको थोड़ा और लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3x तो ये है ही, प्लस का 70 इधर जाके माइनस का 70 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ये स्टेटमेंट बन गया, क्या बना, देखो देख लो, एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3x माइनस में 70 बराबर 0, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, चार नंबर का बी आ जाएगा। ठीक है, समीकरण x माइनस में 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 के मूल हैं, इसके मूल बताने हैं आपको। अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है वो हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, रूट 3, और वो भी किसका, प्लस माइनस का। अब ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, यही बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है इसके हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, पांचवें का ए, वेरी गुड, एकदम राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का इधर जाके प्लस का बन गया, ये प्लस माइनस रूट में 3 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण पी एक्स की स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, पी नॉट इक्वल 0 के मूल समान होंगे यदि। अब देखो इसके मूल समान कब होते हैं, जब कंडीशन आती है बी स्क्वेयर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन 0 आता है, इस कंडीशन में मूल समान होते हैं, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इस कंडीशन से a का मान यहाँ पे कितना है, इसका कंपेरिजन करूँ मैं तो a का मान मेरे पास में p बनता है, b का मान मेरे पास में q बनता है, और c का मान मेरे पास में r बनता है, तो इसमें रख देते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर यानी क्यू स्क्वेयर माइनस में 4a, a का मान कितना है यहाँ से p है, 4pr बराबर 0 है, बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर बराबर 4pr इधर जाके माइनस माइनस का प्लस का बन जाएगा 4pr, इतने इसको इरेज करो, एक बार इसको इरेज करो, ये बन जाएगा 4pr, ये बन गया भैया 4pr, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है समीकरण ए एक्स की स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, कौन सी कंडीशन में वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक तो नहीं होंगे कि बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अभी बता के आया था लेस देन 0 हो जाएगा, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो बी स्क्वेयर लेस देन 4ac बस ये बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है, पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, सातवें का ए, बी स्क्वेयर लेस देन 4ac, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर समीकरण एक्स की स्क्वेयर माइनस में 4x बराबर 0 के हल हैं, इसको सॉल्व आउट करना है, तो लिखता हूँ मैं इसको, एक्स की स्क्वेयर माइनस में 4x बराबर 0 है, इससे क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x माइनस में 4 बराबर 0, तो एक बार तो इस अकेले x के बराबर 0 होगा, एक बार x माइनस में 4 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान 4 आ जाएगा और यहाँ से x का मान 0 आ जाएगा, 0 और 4, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आठवें का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वेयर माइनस में के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात होगा या के का मान होगा, ये बताना है आपको, मूल समान होगा, मूल समान होगा तो आपको पता है कि बी स्क्वेयर माइनस में 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है, इस कंडीशन में b का मान यहाँ पे कितना है, k माइनस k है ना,
माइनस के गया, हाँ माइनस के हैं तो माइनस के रख दिया का स्क्वेयर माइनस में फोर इंटू ए का मान एक है। इस समीकरण को देखो और ए बी सी का मान बताओ, ए का मान तो एक है, बी का मान माइनस के है और सी का मान चार है। सी का मान कितना है? चार है, बराबर जीरो है, गुणा में है अब। तो ये तो हो गया के स्क्वेयर माइनस में चार सौ के सोलह बराबर जीरो, ये बन गया के स्क्वेयर इज इक्वल टू सोलह। तो के का मान कितना आ गया? प्लस माइनस चार आ गया। इस पे रूट लग जाएगा ना, के बराबर रूट में सोलह, तो के बराबर आ गया प्लस माइनस में चार। तो के का मान कितना होगा? इसमें माइनस वाला ऑप्शन ऑप्शन में ही नहीं है तो प्लस वाला हो जाएगा, क्या दिक्कत होगी। नौ नंबर का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अभी दस नंबर। यदि एक्स बराबर एक, एक्स का मान यदि एक्स बराबर एक दे रखा है, समीकरण ए एक्स की स्क्वेयर प्लस में ए एक्स प्लस तीन बराबर जीरो तथा एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो ए बी का मान ज्ञात करो। आपको क्या निकालना है? ए बी का मान निकालना है। ये इसका उभयनिष्ठ मूल है तो एक्स बराबर दोनों समीकरण में एक एक रख देंगे। पहले समीकरण में इस समीकरण में एक्स बराबर में एक रख रहा हूँ तो ये मेरे पास में बन जाएगा ए इंटू वन का स्क्वेयर प्लस ए इंटू वन, ए इंटू वन प्लस थ्री बराबर जीरो। तो ये बन जाएगा ए प्लस थ्री बराबर जीरो। ए और ए कितना हो जाएगा? टू ए हो जाएगा। टू ए बराबर माइनस का थ्री हो जाएगा। इधर जाके ए का मान कितना आ जाएगा? माइनस का तीन बटा दो आएगा। ए का मान माइनस के तीन बटा दो आएगा और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक का स्क्वेयर, नहीं नहीं स्क्वेयर करो भी, एक का स्क्वेयर प्लस एक प्लस बी बराबर जीरो। तो ये तो हो गया दो, दो प्लस बी बराबर जीरो। यहाँ से बी का मान आ जाएगा माइनस के दो, बी का मान आ जाएगा माइनस के दो। हमें निकालना है ए बी, ए डॉट बी। ए का मान है माइनस के तीन बटा दो गुणा में बी का मान है माइनस के दो। माइनस और माइनस कट गया, दो से दो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रिजल्ट तीन देगा। तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तकड़ा क्वेश्चन है एक तरीके से कहें तो। दसवें का डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। द्विघात समीकरण, अब देखना, तीन रूट तीन एक्स की स्क्वेयर प्लस में दस एक्स प्लस रूट तीन बराबर जीरो का विविक्त कर, इसी की बात कर रहा था मैं, कैपिटल डी जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी होगा। अब इसमें विविक्त कर पूछ लिया है, यहाँ से आप लिखेंगे ए बराबर कितना है? तीन रूट तीन है प्यारे विद्यार्थियों। बी बराबर लिखेंगे दस है और सी बराबर लिखेंगे रूट तीन है। ये सारा का सारा डाटा है ना, डी बराबर रख देंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी। बी स्क्वेयर, बी का मान कितना है? दस, दस का स्क्वेयर कर दो, माइनस में फोर इंटू, मैं यहाँ से इंटू अंटू एक बार हटाता हूँ, जगह कम है तो आप समझ लेना इंटू ये। ए का मान कितना है? तीन रूट तीन। और सी का मान कितना है? रूट तीन। तो ये बन जाएगा डी बराबर दस का स्क्वेयर सो हो जाएगा, माइनस में रूट तीन गुणा रूट तीन, तीन हो गया, तीन तिया नौ और नौ चौके छत्तीस, छत्तीस हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास में चौंसठ, तो डी, डी का मान हो जाएगा चौंसठ। चौंसठ इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में छोड़ा है भैया, ऑप्शन नंबर बी में छोड़ा है ग्यारहवें का, देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात समीकरण, फोर एक्स की स्क्वेयर माइनस में बारह एक्स माइनस में नौ बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? अपन डी का मान निकाल लेते हैं, डी का मान पता चल जाएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी होता है। बारी बारी से लिख रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से ए का मान चार है, बी का मान माइनस के बारह है और सी का मान माइनस के नौ है। ये रखो यहाँ से, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वेयर यानी माइनस के बारह का स्क्वेयर माइनस में फोर इंटू ए का मान चार इंटू सी का मान माइनस के नौ हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेट डी का मान 144 माइनस और माइनस प्लस चार चौके 16 और ये आपके पास में कितना बन जाएगा? 16, 16 गुणा 9, 16 निमा 144, ये वापस बन गया 144 ही बन गया भैया। तो ये बन गया डी बराबर कितना बन गया? 288 के 288 आ जाएगा। 288 इज ग्रेटर देन जीरो भैया, ये तो जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है तो मूल काल वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे, वास्तविक हो गए, समान हो गए। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही,
समान नहीं होंगे, वास्तविक जरूर होंगे, समान नहीं होंगे, समान तो बराबर जीरो होगा तब होंगे, मूल काल्पनिक होंगे समान, गलत, काटा मारो इस पे, काटा मारो इस पे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, काल्पनिक और भिन्न भिन्न, इस ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो इसमें 12 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, देखो द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस 12 बराबर 0 को हल करें, इसको हल करना है अभी, समीकरण को हल करना है, देखना है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको कर पाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिएगा करिएगा, एक्स की स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस के 12 बराबर 0, अब गुणा करने पे तो प्लस के 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए, ऐसा क्या बनाएं सर जी, माइनस के लिख दिया आपने, कितना रख दिया 6x और फिर माइनस के रख दिया 2x और फिर प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस के 8 हो जाते हैं, माइनस के 6 का गुणा माइनस के 2 के साथ में करते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पहले 2 से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस में 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस के 6 बराबर 0, यहाँ से क्या बन जाएगा, x माइनस में 6 x माइनस में 2 बराबर 0, तो एक बार तो आपके पास माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो प्लस का आ जाएगा और माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा भाई, डी मैच होगा, 13 नंबर का डी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस के 20 को हल करें, इसको हल करना है, ये हमें दे रखा है एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस के 20 बराबर 0, गुणा करने पे आना चाहिए 20, जोड़ने पे आना चाहिए माइनस का एक्स, तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स की स्क्वेयर माइनस के मैंने कर दिया 5x प्लस का कर दिया 4x माइनस का 20 बराबर 0, तो यहाँ से माइनस के 5 कर दिया और प्लस के 4 कर दिया, जोड़ेंगे तो माइनस का x बचेगा, गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, 4 5 20 या 5 चौके 20 x गुणा x x की स्क्वेयर बन जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों फैक्टर तो एकदम सही बन रहे हैं, इस प्रकार से आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, फैक्टर आपके भी क्लियर कट बनेंगे, कोई दोराई नहीं, कोई संशय नहीं है इसमें, चलेगा ये आपके पास में बन जाएगा, पहले पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ, x कॉमन आ गया तो x माइनस में 5 बचेगा, सेकंड दो से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 4 कॉमन आ गया तो x माइनस में 5 बचेगा इजिकल टू 0, अब दोनों से देखो x माइनस में 5 ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है, इस ब्रैकेट के पास में x था बच गया, प्लस में 4 भी बच गया बराबर 0, तो एक बार x माइनस में 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान तो 5 आ जाएगा, और x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान माइनस के 4 आ जाएगा, ये दो रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे, 5 और माइनस के 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 2x की स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं, मूल बताने हैं, तो ये आपके हैं 2x की स्क्वेयर माइनस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा गुणा करने पे तो 6 दूनी 12 आना चाहिए, माइनस का x की स्क्वेयर भी आना चाहिए, गुणा करने जोड़ने पे x आना चाहिए माइनस का, तो आप लिखेंगे 2x की स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 3x, 4 ती 12 हो जाते हैं, माइनस के 6 बराबर 0, तो यहाँ से देखो माइनस के तो 4x है प्लस के 3x है, जोड़ेंगे तो माइनस का x बचेगा, गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं, 4 ती 12 x गुणा x x की स्क्वेयर हो जाता है, तो अब फर्स्ट 2 से कॉमन ले लो और सेकंड 2 से कॉमन ले लो, क्या बनता है, आपने कॉमन ले लिया 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस में 2 बच गया, फिर प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस में 2 बराबर 0 बच गया, यहाँ से x माइनस 2 और ये है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 2 और यहाँ से बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 3 बटे 2 और ये यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2,
तो कौन से ऑप्शन में है? दो और तीन बटा दो, माइनस का तीन बटा दो यार, दो है। बी ऑप्शन मैच होना आ रहे, बी ऑप्शन 15 नंबर का बी नंबर ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर में, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x की स्क्वेयर माइनस में के एक्स प्लस के बराबर जीरो के मूल समान है? ठीक है, के किस मान के लिए समान है? तो आप जानते हैं कि इसके मूल समान होंगे, कब होंगे? जब बी स्क्वेयर माइनस में 4ac बराबर जीरो होगा। बी स्क्वेयर का मान कितना चला बताइए? माइनस का के है, माइनस का के का स्क्वेयर स्क्वेयर है भाई माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है? 2 है, इंटू सी का मान कितना है? के है इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये बन जाएगा के स्क्वेयर माइनस में 4 दूनी 8 के इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार तो इसमें से के कॉमन आ रहा है, लेकिन के माइनस में 8 बराबर जीरो, तो ये बन जाएगा के बराबर जीरो और ये बन जाएगा के बराबर 8, दोनों के बराबर जीरो करेंगे ना, तो ये दो रिजल्ट आएंगे। तो यानी यहाँ से 0 और 8 ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है 16 नंबर का, 16 नंबर में डी आ जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करके बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण ये होता है एक्स की स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस रूप में कौन सा बनता है? मेन मकसद होना चाहिए ये दो घात होनी चाहिए, दो से अधिक घात नहीं होनी चाहिए, दो से कम घात भी नहीं होनी चाहिए, अधिकतम घात इसकी दो ही होनी चाहिए। अब चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, मैं देखो मैं दूसरा ऑप्शन काट देता हूँ, यहाँ से एक्स की स्क्वेयर कट जाएगा, एक्स की स्क्वेयर कट जाएगा, इसके बाद में एक्स की स्क्वेयर का कोई रिजल्ट ही नहीं क्योंकि बराबर है, दोनों प्लस के ही हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन काटा लग गया। यहाँ पे एक्स की स्क्वेयर है, ये माइनस का 7x है, माइनस का 7x कट गया, माइनस के 8 है, माइनस के 8 कट गया, ये एक्स की स्क्वेयर बच गया, ये बात नहीं एकदम सेट हो रही है। यहाँ से ये एक्स की स्क्वेयर अकेला बच रहा है, यहाँ से बच रहा है एक्स की स्क्वेयर प्लस 0x प्लस 0 बराबर ये बन रहा है भैया, ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स द्विघात समीकरण है। उपरोक्त सभी की बात तो गलत हो गई। ए नंबर और चेक कर लेते हैं, ए माइनस में बी का होल स्क्वेयर आप जानते हैं, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ओपन करके बता देता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स की स्क्वेयर माइनस के 7x माइनस के 8 बराबर चल रहा है, एक्स की स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस के 4x, तो एक्स की स्क्वेयर से एक्स की स्क्वेयर कट जाएगा, माइनस के 7x माइनस के 8 बराबर 4 माइनस के 4x, बस ये तो खात्मा ही हो गया, एक्स की स्क्वेयर बचा ही नहीं, तो ये भी काटा लग गया। यानी ऑप्शन नंबर सी अकेला बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी अकेला ही बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो 17 नंबर का सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। ये मॉडल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि, हाँ ये फैक्टर विधि है, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि भी है, सही है, ये बात भी सही है, द्विघात सूत्र भी है जो कि 2023 में पूछा भी गया था, उपरोक्त सभी, हाँ ये डी वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यानी सारी की सारी विधियाँ भी द्विघात समीकरण को हल करने की सारी विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है निम्न स्थिति की द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा। अच्छा अच्छा क्या दे रखा है, निम्न स्थिति को, निम्न स्थिति की द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा क्रमागत की बात कर रहा है तो x प्लस 1 होगा, और ये कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, गुणनफल का मतलब गुणा, और ये बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 306। x का x के साथ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की स्क्वेयर प्लस x बराबर 306, ये बन गया एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 306 बराबर 0।
एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 306 बराबर 0, कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 306, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0 के मूल होंगे, इनका मूल बताना है भाई, यानी इन हल करना है। कहने बात आया सीधी सी, अब इसको हल करो। एक्स की स्क्वेयर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर 0, यानी गुणा करने पे तो आना चाहिए 10, एक्स की स्क्वेयर जोड़ने पे आना चाहिए 5, नहीं 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 सॉरी 3x, ये आना चाहिए। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स की स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0, यानी माइनस के तो 5x है, प्लस के 2x है, गुणा करेंगे तो माइनस के 10x की स्क्वेयर बन जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 3x बचेगा, यानी ये रिजल्ट बनेगा फर्स्ट दो से और सेकंड दो से। देखते हैं क्या बनता है। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस में 5 प्लस के 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस के 5 बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस में 5 और ये बचेगा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x माइनस में 5 यानी x बराबर 5 आ जाएगा, x प्लस 2 है तो x माइनस में 2 आ जाएगा। ये बात रिसेट हो रही है, 5 और माइनस के 2, 5 और माइनस के 2, ऑप्शन नंबर ए, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन। समीकरण एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स बटा 3 बराबर 0 को हल करेंगे या हल, इसके हल क्या होंगे? तो यहाँ से बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक तरीके से अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, देखो एलसीएम ले लेते हैं, ये कह देते हैं एलसीएम ले लें। एलसीएम आपने ले लिया 3, तो ये बन गया 3x की स्क्वेयर माइनस एक्स बराबर 0, ये बन गया। अब देखो 3 गुणा में है, भाग में है सॉरी, इधर जाके गुणा में बन जाएगा, तो ये बनेगा 3x की स्क्वेयर माइनस में x बराबर 0 गुणा 3, तो ये बन गया 0। अब इसमें से x कॉमन आएगा तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो एक बार तो x बराबर 0 आएगा, एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो ये 3x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 1 बटा 3 आ गया, x बराबर 1 बटा 3 आ गया और एक 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन करना है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, यानी हमारे पास भी वो संख्याएं x प्लस वाई बराबर 27 हैं और इनका गुणनफल x गुणा वाई बराबर 182 है, सीधी सी बात है। अब इसको हल करना है, अब इसको हल करना है, बताइए तो ये संख्याएं कौन सी हो जाएगी? सारे आंकड़े हैं, इनका गुणनफल कितना बैठ रहा है, योग 27 बैठ रहा है, गुणा करके देख लेना। वैसे ऑप्शन आ जाए ना तो ऐसे कर देना भाई, 17 और 10 का गुणा करेंगे 170 बैठेगा, 182 नहीं हो रहा, काटा। 15 और 12 का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, गुणा करेंगे तो कितना बैठ रहा है, 15 दूनी 30, ये भी नहीं बैठ रहा, काटा। 13 और 14 का देख लो योग कितना बैठ रहा है, 27 बैठ रहा है, गुणा करने पे कितना बन जाएगा, 13 और 14 बन जाएगा, 13 और 14 का योग करेंगे तो 27 बैठ जाएगा, गुणनफल कितना बैठ जाएगा ये गुणा करके देख लो, 14 गुणा 13, 13 चौके 52, 5 13 एकम 13, 13 5 है 18, 182 बैठ रहा है, तो बात रही ये बी ऑप्शन राइट हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब सर जी ये तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया, लेकिन हम कैसे करें इनको, जब हमारी एक नंबर वन लाइनर में आ जाए या दो नंबर का वन लाइनर दे दे तो करना पड़ेगा, दो नंबर का क्वेश्चन दे दे या वन लाइनर एक नंबर का दे दे, तो इसमें आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से मैं कहूँ कि एक नंबर समीकरण से x बराबर ये बन जाएगा 27 माइनस वाई, समीकरण नंबर दो में रख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर कितना है, 182 है, गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 27 वाई माइनस में वाई की स्क्वेयर बराबर 182, तो ये बन गया
माइनस में वाई की स्क्वायर प्लस में 27y इजिकल टू 182। 182 इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 182 बराबर जीरो। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा वाई की स्क्वायर माइनस में 27y और ये बन जाएगा प्लस का 182 बराबर जीरो। अब गुणा करने पे तो ये ही आना चाहिए और जोड़ने पे ये आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस के 27y आना चाहिए और गुणा करने पर 182y स्क्वायर आना चाहिए। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 13y माइनस के 14y प्लस के 182 बराबर जीरो। ठीक है, फर्स्ट दो से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट दो से y कॉमन आ रहा है y माइनस में 13, सेकंड दो से क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड दो से माइनस के 14 कॉमन आ रहा है तो y माइनस में 13 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हैं y माइनस में 13 और ये हैं y माइनस में 14 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 13 बन जाएगा और y इज इक्वल टू 14 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 13 और 14 ये बन गया, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। पहले बता दिया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया। ये है द्विघात समीकरण, 2x की स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के, बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अच्छा ये बताना है d का मान निकालो भैया, इसमें d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये चेक कर दो। तो इसमें b का मान है माइनस के 5 रूट का स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4 इंटू a का मान 2 है इंटू c का मान 1 है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस में 4 दुनी 8, तो ये तो माइनस का 3 आ गया और माइनस का 3 आ गया तो आपको पता है लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, दो से अधिक वास्तविक मूल गलत, वास्तविक मूल पे काटा मारो, काल्पनिक मूल आ रहे हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 23 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ये आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है इसके मूल ज्ञात करने हैं, इधर लेके जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखना इसको, x की स्क्वायर माइनस का इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.04। ये पॉइंट हटा दूँ तो मैं नीचे इसके 100 लगा दूँगा क्योंकि दशमलव के बाद में दो अंक है, तो ये बन गया आपके पास में 4/100। अब इस स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा 4/100, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2/10। 2/10 इसका मतलब हो गया ये आएगा प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 0.2, ऑप्शन नंबर ए 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी और सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन में 4a हो तो मूल क्या हो जाएंगे बताओ। मूल एक बार d का मान चेक कर लेते हैं, d होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान इसने दे रखा है, बी स्क्वायर बटे 4a ये रख देते हैं, 4a से 4a कट गया तो d का मान कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी 0 आ गया, ये कट गया d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर ए। खतरनाक क्वेश्चन दिया है, दिमाग घुमा देगा, इस प्रकार की ट्राई अगर आपने नहीं की है आज तक तो कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बना देता है, कितना शानदार प्रश्न है। तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 2023 और ये भी 2023, शानदार प्रश्न, देखो ये तो कर लिया ना, हाँ ये कर लिया। ये क्वेश्चन करते हैं, यदि द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वायर माइनस में 4kx, ये क्वेश्चन अभी अपन करके आए हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो, यानी हमें दे रखा है d बराबर दे रखा है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 दे रखा है, तो इसके अंदर d का मान रख देते हैं, b का मान कितना है माइनस का k है का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान 4 है बराबर 0 है,
तो ये आपके पास में बन जाएगा के का स्क्वायर माइनस में 416 बराबर 0, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर बराबर माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा के बराबर रूट में 16, और रूट में 16 होगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस में 4। ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक नंबर का, फ्री के नंबर हैं। इस प्रकार के पेपर में आते हैं क्वेश्चन और फ्री के नंबर दे जाते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं, बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका मान। डिस्क्रिमिनेट जी का मान मैं तो बता दूं, डायरेक्ट तुक्का मार दूं, चलो माइन 64 आ गया, 64 का मैंने तुक्का मार दिया। क्यों? अभी सर जी करके आए हैं, तुक्का क्या हमारा, आपके तो याद ही है ना। तो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac हो जाएगा, यहाँ से बी का मान कितना है, यहाँ से ए, ये डी के बराबर होता है प्यारे विद्यार्थी, किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखूँ ना तो सुंदर रहेगा, यानी डी बराबर होता है बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, तो ये हो जाएगा डी बराबर बी का मान कितना है 10 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान बताओ जल्दी से 3√3 इंटू सी का मान है √3, √3 का √3 के साथ में गुणा आप जानते हैं 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस में 4 गुणा 3, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 100 माइनस 4 ती 12, 12 ती 36, यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 64, और 64 डी बराबर आ गया, बस यही निकालना था, ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया। तो इस प्रकार से हमने 27 क्वेश्चन MCQs के किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।